में हमने एक महाराष्ट्र शासन को लेटर भेजा है माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को। मैंने अपने लेटर में लिखा कि हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए। हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने और महानगर पालिका आयुक्त ने जो प्रतिबंध औरंगाबाद में लगा रखा है उसी को आप बाजारों पे बंदी डालो, आप होटलों पे जहां आपको भीड़ लग रही है आप कड़े निर्बंध लगाएं, ऐसी हमने प्रशासन से मांग की है। लॉकडाउन होने नहीं चाहिए, हम लॉकडाउन के खिलाफ है। मैं सलीम पटेल वाहेगा होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी और औरंगाबाद शहर जिले का अध्यक्ष। आज सुबह में हमने एक महाराष्ट्र शासन को लेटर भेजा है माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को और अजीत दादा पवार साहब को, जो हमारे पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। ये जो कड़क लॉकडाउन का विषय चल रहा था, मैंने अपने लेटर में लिखा कि हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए। वजह ऐसे कि लॉकडाउन जहां लफ्ज आता है खौफ ज्यादा हो जाते, लोग जो है बहुत परेशान हो जाते, एक डर सा लगा रहता। लिहाजा हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने और महानगर पालिका आयुक्त ने जो प्रतिबंध औरंगाबाद में लगा रखा है उसी को 1 मई तक एज इट इज रखे। ठीक है, वक्त थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, बजाय 7 से 11 के चल रहा है वो ठीक है, लेकिन कड़क लॉकडाउन लगाने की वजह से बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये लॉकडाउन वर्ड भी नहीं चाहिए, लफ्ज भी नहीं चाहिए, हमको कड़े निर्बंध चाहिए। आप बाजारों पे बंदी डालो, आप होटलों पे जहां आपको भीड़ लग रही है आप कड़े निर्बंध लगाए, ऐसी हमने प्रशासन से मांग की है। लॉकडाउन होने नहीं चाहिए, हम लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं, जो शासन का निर्णय चल रहा है हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन हमने डिमांड करे कि भाई हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए। दूसरा, हाल ही में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया है कि रिक्शा वालों को 1500 रुपये देंगे मदद लॉकडाउन के दरमियान में, मैं ये चाहूँगा कि मालक को ना देते हुए जो रिक्शा चला रहे हैं रोड पर उनको रोके, उनसे आधार कार्ड ले, उनके आर्थिक परिस्थिति की जांच करे और उनको जगह पर कैश फाइनेंस में जो है 1500 रुपये दे, ये हमारी डिमांड है। दूसरा कि जहाँ पर NTPCR के टेस्ट चल रहे हैं, एखंड पेशेंट अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो शासन उसको मदद करे, उसका फ्री करे, और पॉजिटिव पेशेंट अगर डेथ हो जाता है तो उसके परिवार को आर्थिक स्वरूप कम से कम 5 लाख रुपए की मदद करे, ताकि जो आपत्ति उसके परिवार पर रहती है वो उसके जाने से कहीं ना कहीं भरकर निकलेगी, ये भी हमने डिमांड की। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं चाहूँगा शहर के वो तमाम नौजवानों से कि बिना कारण वो रोड पर ना निकले, जत्थे जत्थे से जमा ना हो, जितना काम है, जितना हमको सहूलत मिल रही है, जितना टाइम हमको मिल रहा है उसमें अपनी खरीदारी कर ले, दूध वगैरह ले ले, इफ्तार का सामान ले ले, ना कि बिला वजह हजूम लगाए, जिसकी वजह से प्रशासन को भी और शासन को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। और आज हमारे पास जो कलेक्टर साहब ने जो लॉकडाउन निर्बंध प्रतिबंध लगा है, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट जो निकल रहे थे, अब रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छा हमारे पास आ रहा है, ज़्यादा पेशेंट हमारे पास नहीं निकल रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को विनती करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लेटर में भी लिखा है कि हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए, जो प्रतिबंध कलेक्टर साहब ने यहाँ लागू किए उसको जैसे IDCs रखे, टाइम जो चल रहा है कि 7 से 11 वो हमको स्वीकार है सुबह का टाइम, लेकिन जो शाम का जो छोटे मोटे व्यापारियों को जो हमारे पास जो कलेक्टर साहब ने डिक्लेयर किए उसको रखें, ऐसे में फिर एक बार महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे कलेक्टर साहब, महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कापड़ व्यापारी जो है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, उनको भी सहूलत दी जाए, ताकि वो अपने गुजार वक्त में जो सामान लाए उसको भी वो फरोख्त करे और जो है अपना जो बीता हुआ नुकसान कुछ तो भी जो है मामले में उसको जो फायदा लेकर गरीबों को तक पहुँचाए और उसका जो है सही तरीके से अमल में आए, ऐसी भी मैं प्रशासन और शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ। इसमें औरंगाबाद
डेली रूटीन में औरंगाबाद में क्या हो रहा है, क्या आपको जानना चाहिए, इस सब चीज़ों के लिए आप औरंगाबाद अपडेट से जुड़े रह सकते हैं और इसको देख सकते हैं। थैंक यू।